ज्ञान गंगा स्कूल के हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में ज्ञान गंगा के संचालक मिनीराज मोदी को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले को दबाने की खूब कोशिशें की गई, लेकिन पीड़ित बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस को यह कार्रवाई करनी पड़ी। मिसरौद पुलिस ने ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक मिनीराज मोदी को 8 वर्षीय मासूम से छात्रावास में दुष्कर्म के मामले में सोमवार देर रात गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस मामले को जांच के नाम पर 13 दिन तक लटकाए रही। ऐसा लग रहा था मोदी को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला जब मासूम बच्ची के मामले में पुलिस ने 3 बार मेडिकल कराया और शहर की जानी मानी 4 स्त्री रोग विशेषज्ञों की सलाह ली। इसके पीछे पुलिस की नीयत क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन बाल कल्याण समिति के सामने मासूम के बयान में भी घटनाक्रम के दोहराने के बाद पुलिस को आखिरकार आरोपी स्कूल संचालक मिनीराज मोदी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेडिकल रिपोर्ट में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन जरूर था, उसमें उसको स्टडी किया जा रहा है, जो भी उसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जो है इसमें बोर्ड से उसकी राय मांगी गई है, लेकिन जो अभी गिरफ्तारी हुई है वो FIR और बच्ची के द्वारा आइडेंटिफिकेशन किए जाने पे हुई है। नहीं, वो जो जिनका स्कूल है, जो पहले ओनर थे, अब उनके द्वारा हॉस्टल चलाया जा रहा है, उनके छोटे भाई हैं। जो FIR है और जो बच्ची के कथन है, जो उसके द्वारा पहचाना गया है आरोपी को, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पीड़ित बच्ची की मां 38 वर्षीय महिला ने भोपाल के मिसरौद थाने में 30 अप्रैल को उनकी 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की शिकायत पुलिस से की थी। जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 अज्ञात आरोपियों पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय बच्ची की मां का आपराधिक रिकॉर्ड निकाला और उसके बाद मासूम का 3 बार मेडिकल कराया। इस मामले में जांच के नाम पर पूरे 13 दिन बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि पुलिस ने अभी उन 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है जिन्हें बच्ची के साथ घटना में आरोपी की मदद की थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।